ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया है और यहाँ पर हमारा ये चिपक भी गया है मोती। अब यहाँ पे हमारे दो वायर ऐसे हो गए हैं, ये हमने इस तरह से कर लिया। अब हम करेंगे इस तरह से, इसको खोल लेंगे, हम खोल भी सकते हैं इसको, नहीं भी खोल सकते, वो हमारी मर्जी के ऊपर है। अब यहाँ पे मैं पहले छोटे गोल्डन मोती डाल रही हूँ, आप मोती इसमें अपने हिसाब से डाल लेंगे। ये देखिए जहाँ तक इसका थोड़ा सा वो स्पेस है वहाँ तक हम मोती डालेंगे। ये देखिए गोल्डन मोती, कोई सा भी वाइट मोती, गोल्डन मोती, हम कोई सा भी दोनों तरफ डाल लेंगे। देखिए मेरा इस तरह से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में पिंक कलर के सारे मोती डाल लेंगे, कोई भी एक कलर का हम मोती इसमें डाल लेंगे। और कितना डालेंगे, यहाँ तक, यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हो गया हमारा। अब हम इस साइड भी ये पिंक मोती या कोई भी दूसरा कलर हम डाल सकते हैं, आपकी जैसे अकॉर्डिंग हो, इच्छा हो वैसे हम इस साइड मोती डाल सकते हैं। मैं पिंक ही बना रही हूँ पूरा, तो मैं पिंक ही मोती डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सारे पिंक ही लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। ये देखिए मेरी दोनों लाइनें हो गई हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मैंने गोल्डन लगाया, यहाँ पर भी मैं गोल्डन लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे मल्टी लगाऊंगी। तो अब आप बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैं गोल्डन ही लगाऊंगी, यहाँ मैंने 10-10 मोती गोल्डन डाले, मैंने छोटा वाला साइड लिया है, तो ये ही आप साइड लेंगे 2 mm का। थोड़ा छेद का है ये, देखिए ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया, दोनों बराबर हो गए सेम। ये देखिए यहाँ पे सेम बराबर, मतलब कि मोती डल गए हैं, यहाँ पर भी गोल्डन भी, ये पिंक भी और ये भी। आप गोल्डन की जगह आप वाइट ले सकते हैं, कोई और कलर ले सकते हैं, क्रिस्टल ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे मोती डाले हैं उसी तरह मैं यहाँ पे डालूंगी। यहाँ पहले मैंने पिंक लिया है तो मैं यहाँ पे पिंक ही लूंगी, नहीं तो जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा अगर हम 19-20 कलर कर देते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रेड डाला है तो रेड डालूंगी, थोड़ा लकड़ के मोती हैं, ये देखिए इस तरह से। फिर ब्लू, ये सारे सेम कलर डालने हैं। ये देखिए ये हमारा हेयरबैंड बन के तैयार हो गया है। अब लास्ट में हमारे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने ग्लू लगा के मोती लगाया था सेम वैसे ही इसको बिल्कुल टाइट से पकड़ लेंगे हम, क्योंकि इसको अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो ये हमारे मोती सारे वापसी बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है इस बात का। ये देखिए यहाँ पे मैं ग्लू लगा रही हूँ, ग्लू थोड़ी ज़्यादा सी लगा देंगे ताकि चिपक जाए। ये देखिए यहाँ पे हम लास्ट में मोती लगा देंगे, देखिए इस तरह से ये भी सूख जाएगा तो ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा अपने आप ही। ये देखिए हम जैसे एडजस्ट कर देंगे इसको एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा हेयरबैंड बनके प्यारा सा क्यूट सा हमारी बेबी डॉल के लिए तैयार हो गया है। हम खुद भी लगा सकते हैं, बच्चों के भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये है। अब आप बताइए आपको ये कैसा लगा है। इसके साथ का हेयरबैंड भी मैंने बनाया था लेकिन इसमें पिंक नहीं डाले, तो कोई बात नहीं, हेयरबैंड हमारा रेडी है बनके। अब आप बताइए आपको ये कैसे लगा। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी मेरे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।